आज हम जा रहे हैं थोर लव एंड थंडर मूवी देखने। तो भाई चलते हैं, उसके बाद देखने के बाद बताते हैं, रिव्यू बताते हैं आपको कैसी लगी मूवी। तो मेरे साथ मेरा नदीम भाई भी है, जो लास्ट टाइम जिसकी बस निकल गई थी, बट वो ईद उन्होंने घर पे मनाई। वो भाई साहब भाई फ्लाइट गए, कितना खर्चा आया टोटल? 8,500 रुपये। 8,500 रुपये लग गए थे भाई ने, लेकिन भाई ने ठान ली भाई तो घर पे जाना है। भाई अभी हम 4 मिनट में पहुंचने वाले हैं पीवीआर, जो कि पटियाला में न्यू पीवीआर ओपन हुआ है। देखते हैं भाई कैसा बनाया है और क्या क्या अरेंजमेंट है वहाँ पे, खाने पीने के सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, कैसा है इंटीरियर, कैसा है आप बताते हैं। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं सिटी मॉल, ये देखो थोड़ा सा साइड व्यू आपको दिखाता हूँ पीवीआर। गाइस फाइनली वी आर गोइंग टू एंटर सिटी पीवीआर पटियाला, जो कि न्यूली ओपन हुआ है। और भाई बाहर से तो देखो ठीक ठाक लग रहा है ओनली पीवीआर यहाँ पे, और काफ़ी रश भी है, देखो भाई कार्स भी लाइन में लगी हुई है। तो भाई बाहर से तो देखने में ठीक भी लग रहा है। और ये भाई जस्ट अपोजिट जो न्यू बस स्टैंड बन रहा है ना पटियाला का, उसी के सामने है।
थोड़ा प्रॉपर व्यू दिखाओ भाई नवीन भाई। और अभी कुछ देर बाद हम आपको लेके चलेंगे अंदर और दिखाएंगे आपको अंदर सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, बैठने का क्या है, टॉयलेट्स वगैरह कैसे बनाए हुए हैं भाई, सारी चीज़ बताने वाले हैं आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि भाई हमारा न्यू चैनल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है भाई। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी आपको बताने वाला हूँ भाई यहाँ पे कार पार्किंग का क्या चार्जेस लेते हैं। तो भाई यहाँ पे 40 रुपये कार पार्किंग। भाई देखो भाई अभी हम जा रहे हैं पार्किंग में, नीचे थोड़ा क्लोज व्यू देखो कितना बेहतरीन व्यू है भाई। अभी नया बनाया है, सारी चीज टकाटक लग रही है मेरे को, लाइटिंग वगैरह लगा रखी है बेसमेंट में। अभी जा रहे हैं भाई बेसमेंट में थोड़ा। भाई ज़्यादा बड़ा PVR तो लग नहीं रहा है कुछ, यहाँ पे शायद आउटलेट भी है भाई, जो कि लिखा हुआ है ओपनिंग सून। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन। जल्दी कुछ आउटलेट भी यहाँ पे आने वाले हैं, स्केचर्स का आने वाला है। तो भाई आउटलेट आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा और लगेगा, अच्छा लगेगा। तो भाई अभी हमारा मूवी देखने का टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है भाई, बेटर है कि जल्द मूवी देखने के लिए चलते हैं, पता चले सो ही निकल गया। तो भाई ये देखो ये है सिनेमा और इधर मिलते हैं टिकट, टिकट वगैरह यहाँ पे मिलते हैं भाई, आप टिकट लेना हो ठीक है। तो भाई हम तो ऑनलाइन बुकिंग करके आए हैं। तो भाई ये रहा वॉशरूम और हमारे नदीम भाई हैंडीकैप में घुसते हुए, थोड़ा मुझे लग रहा है नदीम भाई काम के प्रेशर मार के हम लेडीज में घुस रहे हैं। अरे भाई जेंट्स नहीं है, लेडीज है, देखो ना ऊपर कंफ्यूज हो गए हमारे नदीम भाई प्रॉपर में काम कर करके। अच्छा नहीं भाई लेडीज में घुस गए, हैंडीकैप में घुस गए।
ये देखो भाई इंटीरियर तो काफ़ी अच्छा बना है भाई। खाने का सामान वगैरह काफ़ी अच्छे भाई है। आप लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं तो अभी मूवी में मुझे लग रहा है 8 तक से मूवी का टाइम थोड़ा लेट है, मूवी अभी स्टार्ट नहीं है और अभी ओडी भी ओपन नहीं है, आप लोग वेट कर रहे हैं। तो भाई अभी एंट्री करते हुए सीवीआर के अंदर तो चलते हैं भाई अंदर दिखाते हैं आपको। क्या बोलते हो नदीम भाई, आप मूवी के बारे में बताइए कैसी लगी मूवी? इसे निकलते हुए और मूवी अच्छी लगी, गाइस मैं बोलूँगा एक बार जरूर देखनी चाहिए। आप क्या बोलते हो नदीम भाई, बताइए एक बार वन टाइम तो देखना। तो गाइस अभी पार्किंग से निकलते हुए तो गाइस अभी हम बाहर निकल चुके हैं सिटी मॉल अभी देख कर, तो अभी चलते हैं भाई घर की तरफ और बड़ी जोर से भूख लगी है भाई। अंदर तो पॉपकॉर्न भाई हमने खाया नहीं, मतलब 500 रुपये का एक डब्बा मिल रहा था, मैंने कि बाहर ही खा लेंगे भाई। तो घर जाकर कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं भाई। तो भाई इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।